हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक्जिटा कॉटन के बारे में, जिसमें मैंने रात को ही वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि शेयर को बेचना मत, शेयर में अपर सर्किट लग सकता है। और देखिए आज लग गया अपर सर्किट। जो न्यूज़ मैंने बताई थी रात को वीडियो बनाकर, आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो फिर से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं। और फ्रेंड्स, उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज एक ही जैकपॉट शेयर दिया था सबको, वो गया 20% अपर सर्किट में, और उसमें हेवी एम ऑर्डर लगी हुई है। मंडे को भी हो सकता है अगला अपर सर्किट मार दे, या मंडे को ही 10-15% का प्रॉफिट भी दे दे एक ही दिन में। ऐसे ही जैकपॉट शेयर पाने के लिए मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, क्योंकि हमारी टीम राइट टाइम पे एंट्री करती है, राइट टाइम पे एग्जिट करती है, और आपके पोर्टफोलियो को रखती है हरदम ग्रीन में, और उसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडवांस पेमेंट कुछ भी देना नहीं है, यह सिंपली प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप है। जो भी प्रॉफिट होता है आपके पोर्टफोलियो में, उसका कुछ हिस्सा आपको हमें देना होता है। वो क्या देना होता है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, एग्जिटा कॉटन में आज BSE और NSE दोनों जगह पर अलग अलग रेट आए हैं। हालांकि NSE पर अपर सर्किट लगा, बट BSE पर अपर सर्किट में क्लोज नहीं हुआ है। बट मेन बड़ा वॉल्यूम जो होता है NSE पर ही होता है, इसीलिए NSE पर आज 1,38,00,000 शेयर ट्रेड हुए, BSE पर अराउंड 25,00,000 शेयर ट्रेड हुए, दोनों मिलाकर अराउंड 1,63,00,000 शेयर ट्रेड हुए, जो कि 1,63,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। NSE पर तो देखिए लो बनाया था आज का 24.75 रुपीज़ का, और हाई लगाया 24.75 रुपीज़ का लो लगाया था, लोअर सर्किट लग भी गया था, फिर से उठा और वो क्लोज हुआ अपर सर्किट में 27.35 रुपीज़ में। तो काफ़ी ऊपर नीचे उठा पटक हुई आज एग्जिटा कॉटन के शेयर में, बट फाइनली क्लोज हुआ अपर सर्किट में। BSE का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे भी लोअर सर्किट लग चुका था 24.70 रुपये का, बाद में हाई मारा 27.30 रुपीज़ का, और बाद में क्लोजिंग दिया 26.24 रुपीज़ का, 26.24 रुपये। बट 1% प्लस में क्लोज हुआ है BSE पर, बट NSE पर तो अपर सर्किट में लग चुका है एग्जिटा कॉटन का शेयर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाइंग के लिए एम ऑर्डर लगी हुई है 5,85,000 शेयर्स की, 5,85,000 शेयर की एम ऑर्डर बाइंग के लिए लगी हुई है, जो कि अच्छी बड़ी कर दी, अच्छी खासी एम ऑर्डर लगी हुई है 5,85,000 की, जो कि अच्छी बात है। अब ये शेयर पलटा क्यों, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा नहीं होगा उनको बता दूं, कंपनी ने डिक्लेयर किया है बायबैक के लिए मीटिंग, जो कि 23 मई को होने वाली है, 23rd of May मंगलवार को होने वाली है, और इसी न्यूज़ के कारण शेयर ने पलटी मारी और शेयर ऊपर जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि बायबैक की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है, कितने शेयर्स कंपनी बायबैक करती है, क्या रेट से करती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इसकी जो तेज़ी है वो बरकरार रहती है या नहीं रहती है। बट ऐसा लग रहा है कि सोमवार और मंगलवार तक तो तेज़ी बनी रहेगी, जो कि 30 रुपये तक तो जाना लगता है कि जा सकता है। उसके बाद में जो बोर्ड का आउटकम आएगा मीटिंग का, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे तेज़ी बनी रहती है कि फिर से लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू होता है। बट आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर रखा होगा तो थोड़े बहुत शेयर्स आप बेच सकते हो, पैसा फ्री कर सकते हो। बायबैक में अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा शेयर्स बायबैक का अनाउंसमेंट किया और रेट काफ़ी अच्छा दिया, तो हो सकता है नॉनस्टॉप अपर सर्किट में जा सकता है। अगर क्वांटिटी बहुत ही कम रखी और रेट समझो अभी चल रहा है 27 रुपीज़, अगर 30-35 का ही रेट रखा तो ज़्यादा दम नहीं रहेगा, वही अगर 50-60 रुपये का रेट रखा बायबैक का, तो डेफिनेटली तेजी बनी रह सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि 23 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल कर आता है। तो आपको अगर जब तक वेट करना है तो कर सकते हो, और अगर आपको डर लग रहा होगा तो थोड़े बहुत शेयर्स बेचकर पैसा फ्री भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने जो आपको बोला था अपर सर्किट लगेगा आज, तो देखिए अपर सर्किट लग गया है। आशा करते हैं कि अपर सर्किट का सिलसिला शुरू रहे नॉन स्टॉप और एग्जिटा कॉटन फिर से अपने हाई पर जाए 80 रुपीज़ के आसपास, जो कि जिसमें काफ़ी लोग ऊंचे रेट में फंसे हुए। मेरी आपसे लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, फिर से इसी शेयर में पैसा नहीं लगाइए, ना ही इसमें एवरेजिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी लोअर सर्किट भी लग सकता है, ऑपरेटर लोग भी घुसे हुए इसके अंदर,
आप फिर से फंस सकते हैं, इसलिए इसी में फिर से पैसा नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बट फिर भी आपको रिस्क लेना होगा, पैसा आपका है, आपकी मर्जी है, आपको लग रहा होगा तो आप पैसा लगा सकते हो, पर मेरे हिसाब से उसी शेयर में और पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसमें आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक है। एवरेजिंग भी उसी शेयर में नहीं करना चाहिए, बट आशा करते हैं कि नॉस्टॉक ऊपर जाए और शेयर फिर से आपका लॉस रिकवर करे। हमें इंतज़ार रहेगा 23 मई का, 23 ऑफ मई का क्या न्यूज़ निकल कर आती है मीटिंग में, पता चलेगा क्या रेट रखती है कंपनी बायबैक का, वो भी पता चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।